कक्षा पंचमी विषय गणित में अभ्यास संख्या दो भाग एक। आज का जो प्रकरण है वो है जोड़। यदि जोड़ किस प्रकार से हल करते हैं, इससे पूर्व कक्षा चतुर्थी में हमने तीन अंकों की जोड़ के बारे में अभ्यास किया था। अभी हम चार अंकों की जोड़ का अभ्यास करेंगे। एक बात प्रश्न देखते हैं, जैसे 3875 प्लस यानी जोड़ 6785, ये एक जोड़ है चार अंकों की, ये इकाई दाई सैकड़ा हजार, इधर भी इकाई दाई सैकड़ा हजार, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इससे पूर्व थे वो चार अंक की थे या तीन अंक की थे, जैसे गत कक्षा में तीन अंक की थे, जैसे ऐसी जोड़ थी। यानी 397 में 565 को जोड़ना है, तो इस प्रकार की जोड़ में अंक हैं वो इकाई की सीध में इकाई का अंक, दाई की सीध में दाई का अंक और सैकड़े की सीध में सैकड़े का अंक लिखते थे। ये गत कक्षा में था, जब चतुर्थी कक्षा में। अब पंचमी में चार अंकों की संख्या आ गई, तो इसका जो हासिल, जैसे इस प्रकार की जोड़ करते थे तब ये होता था कि पहली संख्या की इकाई को दूसरी संख्या इकाई को अंक को जोड़ना है। जैसे 7 में 5 को जोड़ना है, तो 7 को 5 जोड़ेंगे तो 12 होते हैं, तो इसके जो 12 होते हैं तो 12 इस प्रकार होते थे। अब जो पीछे का इकाई का अंक होता है ना, वो तो आता नीचे, और ये आगे का अंक होता था वो अगले वाले अंक यानी कि इकाई की जगह दाई के ऊपर उसका हासिल होता था, ये अंक आता था, और जब इकाई के अंक जोड़ते थे तो उसका जो हासिल होता था तो दाई पे लगता। अब दाई पे हासिल लगा दिया, अब दाई के अंकों का योग करके उसके अंदर ही इकाई हासिल है वो जो ऐड करना है। जैसे 9 में 1 जोड़ने पर 10 होते हैं, हासिल जोड़ दिया अपने। अब 10 के अंदर 6 जोड़ना है, 10 और 6 16 होते हैं, 16 इस प्रकार लिखते हैं। अब 16 का जो इकाई अंक है वो नीचे आएगा और ये आगे का अंक जाएगा दाई की जगह सैकड़ा पे हासिल, ये आ गया हासिल। अब आपको इसमें अंकों के साथ सैकड़े के अंकों के साथ हासिल को भी जोड़ना है, दाई का जो हासिल है उसको भी जोड़ना है। तो आप 5 में 3 जुड़ेंगे तो 5 और 3 8 होते हैं, 8 में 1 जोड़ दिया तो ये 9। तो इस प्रकार से अपन ने गत कक्षा चतुर्थी के अंदर ये जोड़ की थी 3 अंकों की। अभी जो जोड़ है वो 4 अंकों की, यानी इकाई दाई सैकड़ा और अब हजार का अंक है। तो मैं इस जोड़ को कैसे करता हूँ, जैसे 3800 ये 75 है, उसके अंदर 6785 को जोड़ना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, इकाई की सीध में पहला काम यही करना है आपको, अंक सीध में लिखने। कई बार प्रश्न आते हैं जिसमें चार अंक आ गए, जैसे एग्जांपल इसके अंदर आपको जोड़ है वो करनी है ये, इसमें चार अंक है और इसमें तीन अंक है। तो कई बार होता क्या है कि आप अंक जब नीचे उतारते हैं जोड़ में तो उसमें आप गड़बड़ कर देते हैं, जैसे क्या करते हैं 9768 है ना, इसमें ये 6659 ये जोड़ दें तो ये गलत हो सकता है। आपको सबसे पहले इस इकाई अंक में दूसरी संख्या का इकाई अंक उसकी सीध में लिखना, पहला काम ये, तो आपकी जोड़ एकदम सही होगी। तो मैं वापस इसको पुनः लिख रहा हूं एक बार, जैसे इसका अंक 8 है इकाई का, तो इसका इकाई का अंक 9 यहां लिखना, फिर उसका दाई का अंक 5 यहां लिखना दाई के अंक के नीचे। अब यहां सैकड़े का अंक 7 है तो इसका सैकड़े का अंक 6। अब यहां अंक खाली रहता है, हजार का अंक यहां नहीं है दूसरी संख्या में, तो उसको खाली लिखना। पीछे से आपको अंक सीध में करके आना, एक इकाई सीध में इकाई, दाई की सीध में दाई, सैकड़ा की सीध में सैकड़ा, और हजार की सीध में हजार का अंक नहीं है तो आपको यथा रखना है ऐसे। तो मैं इसी प्रकार समझा रहा था कि आपको इकाई में इकाई के सीध में लिखना, दाई का अंक दाई की सीध में, सैकड़े का अंक सैकड़े की सीध में, और हजार का अंक हजार की सीध में। अब आपको ये इकाई के अंक जोड़ने हैं, 5 और 5 10 होते हैं, 10 का ये 0 आता है, इसका हासिल है वो दाई के ऊपर लगेगा, इसका हासिल इसी पर नहीं लगाना है, इकाई के योग का हासिल दाई के ऊपर लगेगा। अब आपको दाई के अंकों का योग करते हुए उसके साथ हासिल को भी जोड़ना है। जैसे मैं 7 में 1 जोड़ा 8 हो गए, ये 8 और 8 16 होते हैं, 16 के ये 6 लिख दिए मैंने, 16 के 6 तब हासिल आया 1। अब इसको भी जोड़ना है, 8 और 1 9 हासिल जोड़ दिया 9, 9 में अब 7 जोड़ता हूं, 9 और 7 कितने हो गए 16,
ये 16 के 6 हासिल, फिर होगा एक, ये एक, ये तीन कितने हो गए, चार, चार के अंदर इस संख्या का ये हजार का आराम से जोड़ो 6, चार और 6 हो गए 10, इस प्रकार से ये हो गई संख्या 10,660, ये इसकी जोड़ होगी। कई बार व्यवहारिक प्रश्न आते हैं जोड़ के, तो मैं इसको एक बार प्रश्न लिख के बता रहा हूं, जैसे कई बार प्रश्न आते हैं कि भाई एक बगीचे में गुलाब के 59 फूल, गेंदे के 78 फूल और चमेली के 55 फूल हैं, तो बगीचे में कुल कितने फूल हैं। तो इसमें क्या करना है, जब आपको ऐसे प्रश्न आता है कि भाई एक बगीचे के अंदर गुलाब के इतने फूल हैं, 59 फूल है, गेंदे के 78 फूल है, चमेली के 55 फूल है, तो बगीचे में कुल कितने फूल है, कुल जहां आएगा ऐसा समझना है हमको जोड़ करनी है, कुल योग ये सब जोड़ में है। तो आप इसको क्या करेंगे, तो जैसे देखेंगे गुलाब और गुलाब के बाद गेंदे के फूल थे, गेंदे के बाद चमेली के फूल थे। अब आपको इसको सीध में लेना, इकाई क्या इकाई की सीध में, जैसे गेंदे गुलाब के थे 59, तो 5 और ये 9 59 हो गए, गेंदे के 78 फूल थे 78 फूल ये लिख दी, फिर चमेली के 55 थे तो 55 मैंने ये लिख दी। अब इसको सीध में लिखना है, इकाई के एकदम सीध में आना चाहिए, इसका उत्तर आएगा वो भी इसकी सीध में ही आना चाहिए। तो आपको ये लिख दिया 9, 8 और ये 5, इसकी योग करना है, 9 और 8 कितने हो गए 17, 17 में 5 जोड़ो कितने हो गए 22, अब 22 के 2 आएंगे हासिल, इसके लगेंगे 2, 22 ऐसे लिखते हैं ना, तो इसका इकाई अंक नीचे आया, उसका दाई का अंक इसके ऊपर आ गया, तो दाई का हासिल हो गया 2। अब आपको इसको जोड़ना है, ये 2 और 5 कितने हो गए 7, 7 और 7 14 में 5 जोड़ेंगे, 14 और 5 कितने हो जाते हैं 19, इस प्रकार से कुल फूल कितने हो गए बगीचे के अंदर 192 कुल फूल हो गए। इसी प्रकार कुछ व्यवहारिक प्रश्न है जो आपको कक्षा कार्य के रूप में करने हैं, वो अभी यहां लिखते हैं। जैसे पहला प्रश्न 3,758 के अंदर आपको 2,637 को जोड़ना है। दूसरा प्रश्न हो गया कि 8,329 के अंदर आपको जोड़ का निशान लगा के योग, उसके अंदर 1,671 को जोड़ना है। इस प्रकार के प्रश्न कर सकते हैं।